देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एनआरआई समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। चूंकि पीएम मोदी भी सोमवार को इंदौर आने वाले हैं, ऐसे में शिवराज सरकार दिखावे में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। हद तो तब हो गई जब यहां सूखी घास की हरे रंग से पुताई कर दी गई, ताकि सभी जगह हरियाली ही हरियाली दिखे। इंदौर के इस रेडीमेड हरियाली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नगर निगम का एक कर्मचारी पाइप से जमीन पर हरे रंग का डाई छिड़क रहा है। इससे पीली घास चंद सेकंड में ही हरी भरी दिखने लगती है। इंदौर को सजा धजा कर नया रूप देने के चक्कर में प्रशासनिक लीपापोती का यह मामला अपने आप में अनोखा है। अधिकारियों का कहना है कि पानी नहीं मिलने के कारण घास सूख गई थी। शहर की सौंदर्यता को बरकरार रखने के लिए इस अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नगर निगम के उद्यान अधिकारी चेतन पाटिल ने कहा, यह ऑर्गेनिक लॉन डाई है जिसका इस्तेमाल विदेशों में बड़े लॉन में हरियाली के लिए किया जाता है। इसका मूल्य 3500 रुपए प्रति लीटर तक रहता है। डाई की कीमत से स्पष्ट है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लाखों रुपए इसमें खर्च किए गए होंगे। बहरहाल डाई छिड़काव का वीडियो सामने आने के बाद से कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। एमपी कांग्रेस ने इसका वीडियो ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश की विधायक खरीदी से बनी नकली सरकार में हरियाली भी नकली है। शिवराज जी, ऐसे करोगे मोदी जी का स्वागत? इतना ही नहीं, इंदौर के फुटपाथ पर तिरंगा पेंट कराया गया है, जिस पर लोग चल रहे हैं उसे तिरंगे के रंग में रंगने को लेकर भी विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि यह बड़े शर्म की बात है, प्रवासी सम्मेलन में तिरंगा पैरों तले कुचला जा रहा है। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने इसका वीडियो ट्वीट कर लिखा, शिवराज जी, क्या आपको इंदौर के फुटपाथ पर तिरंगा रंगना सही लगता है? आपके मात्र संस्था का इतिहास जरूर तिरंगे को अपमानित करने का रहा है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में आपको यह इतिहास छुपाना ही पड़ेगा। सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।